तहे दिल से आप पत्रकार बंधुओं को जेएफबीसीएल और आकृति एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर साहब और राशिद साहब एक बार हम लोग सब लोग मिलके और प्रेस के साथीगण एक बार दोबारा ट्रेलर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग वार्तालाप शुरू करेंगे। माँ कहा नहीं खोज ली तो के पूरा रांची छाई मार ली पर तो कहीं नहीं मिले। बांझ औरत का हैक से तो अच्छा है कि हम मौत के गले लगाए गए। अब राहुल की खुशी गांव से निकला हुआ अभी भोसड़े की विलेज में लौट कभी क्या नाम है तो कुलमनिया। अगर मैं हमारे आईपीआरडी के बहुत ही सशक्त और जेएफबीसीएल को काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ाने वाले राशिद साहब बैठे हुए हैं, विनीत कुमार जी आज ही मुंबई से आए हैं और बड़े ही दिल से आए हैं अपना समय निकालकर, उनको बहुत मतलब अपने आप में खुशी महसूस हुई है कि वो इस फिल्म के लिए हमारे साथ रहे टीम में। ठीक बगल में नंदलाल नायक जिनका म्यूजिक बहुत धूम मचा रही फिल्म में, नंदलाल नायक जी बैठे हुए हैं। मेरे बगल में नीतू अग्रवाल जी हैं हमारे प्रोड्यूसर फिल्म के, और उसके ठीक बगल में कोमल सिंह जो फुलमनिया का कैरेक्टर प्ले की है और बेहतरीन अदाकारा है, रांची से ही है। और हमारा लिंग भेद पे भी पूरी कंसेप्ट स्टोरी को हमने सेंट्रलाइज करते हुए एक रिजल्ट दिया है कि बेटा और बेटी दोनों एक समान होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेटा भाग्य से बेटियां सौभाग्य से, यही हमारा नारा है जो सीरियल में भी रहता है हमारा, फिल्म में भी रहता है और इस फिल्म में तो बखूबी देखने को मिलेगा कि जेएफबीसीएल के सपोर्ट से हम कुछ करने की स्थिति में है, वरना फिल्म बनाना एक इतना जोखिम भरा काम माना जाता है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से इस फिल्म को हमने कैंस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में पहुंचाया, पूरी दुनिया के सामने रखी, और मैं देखना चाहता था कि उनका रिएक्शन क्या होता है, तो उनका रिएक्शन इतना पॉजिटिव और बनता कि ऐसी फिल्म भी बन सकती है। उनके लिए तो अरबों की बजट होती है फिल्मों की ना, करोड़ों की बात नहीं करते हो, तो वो बोलते कि इतनी कम में, तो मुझे दो कंट्री से इन्विटेशन मिला है कि कम बजट में ऐसी फिल्म कैसे बन सकती है, लोहरदगा और ये दोनों फिल्मों के बारे में। तो मुझे तब विश्वास हुआ कि हमने यार फिल्म अच्छी बनाई है। और जब मैंने अभी प्रीव्यू हुआ था पूरी जेएफबीसीएल टीम के साथ, जब मैंने वो फिल्म उनके साथ बैठ के देखी तो मुझे लगा कि हमने सच में अच्छी फिल्म बनाई है और इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है करना। और मैंने पत्रकार बंधुओं से भी सपोर्ट मांगा है, क्योंकि इससे न सिर्फ इस फिल्म के चलने की बात नहीं है, फिल्म चलती है नहीं चलती है चर्चित होती है अलग किस्सा है, लेकिन अगर ये फिल्म चलती है तो झारखंड फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ अभी अभी हो रहा है हुआ है, जिस तरह मराठी फिल्म इंडस्ट्री हुआ है, जिस तरह गुजरात हो रहा है, जिस तरह हरियाणा भी अभी अग्रसर और पंजाब तो पहले से ही है। तो क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा अभी हर तरफ मिल रहा है, अब साउथ में तो देख ही रहे क्या होता है, तूफान मच जाता है वहाँ फिल्मों का, तो उस तरह से झारखंड फिल्म इंडस्ट्री अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। यहाँ पे लोग डरते हैं कि यार तीन हॉल में लगाएगा, मल्टीप्लेक्स नहीं लगाएगा। आज हम लोग बहुत मतलब खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस फिल्म को सिर्फ झारखंड के मल्टीप्लेक्स नहीं, बंगाल के कुछ एरिया हैं सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में सभी थिएटर वाले मांग रहे हैं पिक्चर, आपके आसाम से छत्तीसगढ़ से दो बार कल भी फोन आ रहे हैं कि हमारे सिनेमा हॉल में भी लगाई, हम साहू पहुँचा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हो। तो उन पर एक क्यूरियोसिटी है फिल्म के लिए, उनका ट्रेलर देखते हैं उसमें बहुत जल्दी हम लोग एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित होगा, तो आप लोगों का सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रीजनल फिल्म्स यहाँ जो बन रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए। और हमारी कोशिश है कि जहाँ जितने भी फिल्म यहाँ थिएटर्स हैं मल्टीप्लेक्स हैं, सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है कि शो वहाँ पे हम लोग मैंडेटरी कर दें,
कि ये अनिवार्य कर दे कि रीजनल फिल्म्स को दिखाना ही है आप लोग, एटलीस्ट एक शो या दो शो, जो भी जिस तरह का भी अरेंजमेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा, इससे लोकल फिल्म्स, रीजनल फिल्म्स को बढ़ावा मिलेगा, स्क्रीन मिलेंगे तो और भी लोग प्रोत्साहित होंगे बनाने के लिए फिल्म। तो इसको आप लोग प्रमोट कीजिए, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, और देखिए भी जाकर, अच्छी फिल्म बनी है, हम लोगों ने देखा, टेक्निकल टीम ने देखी है इसे। सबसे पहले तो मैं विजय जी को बहुत बधाई देता हूँ कि इनकी पहली फिल्म लोहरदगा बहुत ही उम्दा कोटि की फिल्म थी, और अभी हमारे सामने हम लोगों ने देखा है इसको, 6 तारीख को रिलीज होती हो रही है, फुलमुनिया सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। तो ये हमारे सामने ये फिल्म है। हम सभी जानते हैं कि सिनेमा जो होता है ना, वो समाज का आईना होता है, और समाज के भीतर जो चीज़ें चल रही है, इन्होंने बहुत अच्छा थीम उठाया है। झारखंड में कुप्रथा, जो डायन प्रथा है, वो कई बार हम लोग अखबारों पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि किसी गांव में उसको डायन समझकर और गांव वाले ने उसको जान मार दी। वस्तुतः इस प्रकार की जो कुप्रथा है, हमारे समाज का कलंक है, और सरकार का प्रयास होता है कि इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को जो समाज में व्याप्त है, उसको कैसे दूर करें। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, अवेयरनेस का कार्यक्रम चला करके, लोगों को शिक्षित करके, और ये अनवरत चल भी रहा है। लेकिन जब हम इसको बड़े पर्दे पर देखते हैं, तो भीतर से कहीं ना कहीं टीस ये उठती है कि ये समाज में हमारा है, समाज में क्या हो रहा है, और उस चीज़ को इन्होंने बहुत ही सलीके से कुरीद कर एक बड़े पर्दे पर लाया। तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में झारखंड के लिए जो एक समस्या है या कुरीति है, ये इस फिल्म के माध्यम से दूर हो सकेगी। सिनेमा हम लोगों को बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, चाहे वो डिजाइन की चीज़ हो या उसके बहुत सारे जो सीन्स होते हैं। कोई फिल्म हिट करती है तो लोग वहाँ मूव करते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो पर्यटन के ख्याल से भी सिनेमा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमारे झारखंड में एक से एक लोकेशंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो जब वो विजिट करते हैं, वो चाहे लतेहार की वादियाँ हो, चाहे रांची का हो, सिल्ली तरफ जाते हैं वो, या रांची के आसपास ही घूमते हैं, तो उन्हें बहुत आकर्षित करता है। और यही कारण है कि हमारी झारखंड की फिल्म नीति और यहाँ की लोकेशंस, वो हमारे पास करीब 150 के आसपास प्रपोजल हैं। और मैं तो आप लोगों से सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ कि आप अगर उत्साहित होंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और जब हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम और करेंगे, और झारखंड में एक फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी, तो इससे ज़्यादा खुशी फिल्मों में काम करने वाले लोगों के लिए और क्या हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आप लोगों के लिए है। तो हमारा आग्रह है कि आप हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, एक एक्टर को और क्या चाहिए, इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर जिसको करने में बहुत मज़ा आया मुझे, और उसके बाद इतनी चर्चा हो रही है फिल्म के बारे में, फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी चली, और इतना अच्छा प्रमोशन हो रहा है, तो बस एक्टर को और कुछ भी नहीं चाहिए, बस सबका प्यार चाहिए। एक्टर ने अपना काम कर दिया, उसके बाद आप लोग देखो मूवी और आप लोग तारीफ करो, और कुछ नहीं चाहिए। चैलेंज कितना था? चैलेंज मतलब मुझे वैसे तो चैलेंजिंग कैरेक्टर करना बहुत पसंद है, तो मैं ढूंढती हूँ कि बस मिले कुछ जो अलग हो, मतलब ऐसे नहीं कि हीरोइन इधर से आई, हीरो आया, टकराए, गिर गए, हवा चला, वो नहीं, मतलब मुझे पसंद है इस तरह का चैलेंजिंग कैरेक्टर करना। तो सर ने जैसे ही मुझे स्टोरी सुनाई, मतलब मैंने एकदम तुरंत हाँ किया, हाँ सर, यस मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ।
और उसके बाद थोड़ा तो डर था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा वो सीन, कैसे शूट होगा, लेकिन सर ने इस तरह से उसको डिजाइन किया कि कैसे वो शूट हो गया वो मुझे पता भी नहीं चला।